फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस संक्षिप्त सेशन में हम लोग सीटेट परीक्षा जो कि इसी महीने के अंत में शेड्यूल्ड है और आने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आधार है, यानी कि सीटेट परीक्षा से होकर के ही आप उस परीक्षा में बैठ पाएंगे और भविष्य में विभिन्न परीक्षाओं में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक है, कुछ महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है जो हम आप तक शेयर करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आप सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। दो तीन बिंदु हैं जिसे समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। एक तो यह है कि सीटेट की परीक्षा तथ्यात्मक नहीं है, यानी कि यहां पर समझ आधारित सवाल पूछे जाते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जो है वहां पर टेस्ट ली जाती है, आपके अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट ली जाती है। इसलिए कुछ ऐसे विषय हैं जो समझ आधारित हैं और इन विषयों की बेहतरीन ढंग से जो है तैयारी आपके लिए आवश्यक है, जैसे साइंस है, जैसे इन्वायरमेंट है, ये सारे और कुछ लैंग्वेज जो उसमें पूछे जाते हैं उनके पैराग्राफ के बारे में एक बेहतरीन समझ का होना आवश्यक आप लोगों के लिए है और इसी के बारे में हम लोग इसमें जो है चर्चा करेंगे। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको समझ आधारित जो पढ़ाई इसमें कर लेना चाहिए, समझ आधारित पढ़ाई होना बहुत आवश्यक है। अगर इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं तीन तीन लाइन चार चार लाइन के सवाल पूछे जाते हैं, पुनः उस चार लाइन के सवाल को समझने के बाद आपको आंसर देना होता है, तो आपको प्रश्नों के पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, यानी कि जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को पढ़ने की आदत, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि प्रश्नों को अच्छी तरीके से न पढ़ने के कारण भी विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन हो जाता है जहां पर सही तरीके से आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उन प्रश्नों को सावधानी के साथ धैर्य के साथ पढ़िए और प्रश्नों पर आधारित जो है पुनः विकल्प पढ़ करके उत्तम विकल्प का चयन कीजिए। कई बार एक ही प्रश्न में कई विकल्प ऐसे होते हैं जो आसपास होते हैं या एक से अधिक विकल्प सही होते हैं, लेकिन हमें ऐसे विकल्प का चयन करना होता है जो प्रश्न के अनुरूप और सर्वोत्तम होता है, उन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो कुल मिलाकर के यह परीक्षा जो है रटने और तथ्यात्मक जो है सूचनाओं पर आधारित ना होकर के समझ आधारित परीक्षा पर होता है। एक ऐसा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, पूर्व के वर्षों में रहा है कि एक स्टूडेंट तीन बार परीक्षा देता है, उसका सीटेट में नहीं होता है, लेकिन एक स्टूडेंट स्पेशली सीटेट की तैयारी नहीं करता फिर भी उसका चयन हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जो आपके नॉलेज से ज्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग की जो है टेस्ट लेता है कि आप विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में रहते हुए या विभिन्न प्रकार के टॉपिक, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में कितनी सामान्य समझ रखते हैं, यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी बेहतरीन है, और इसके आधार पर वहां के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी से जो है या पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, या इसी तरीके से लैंग्वेज से, पैराग्राफ से, या इसी तरीके से पूछे जा रहे हों, आपके इन्वायरमेंट से वहां से पूछे जा रहे हों, तो इन सभी विषयों पे जो क्वेश्चन वहां पे उठाते हैं वो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं। आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो है टेक्निक इसमें यही होना चाहिए कि आप पूरे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने के बाद अगर ध्यान से आप प्रश्न पढ़ते हैं तो सीटेट में ज्यादातर सवाल इस तरीके से होते हैं कि प्रश्न को पढ़ने के बाद जो है आपकी दिशा स्पष्ट हो जाती है कि हमें किस दिशा से यहाँ पे विकल्प का चयन करना होगा। कई बार के और कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने पर ये बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर के ये सावधानी का होना आवश्यक है। और सीटेट की जो परीक्षा है, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि वो नॉलेज से ज्यादा आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है कि उतने समय में आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ करके किस तरीके से, किन सावधानियों के आधार पर गोला भरने में, यानी कि बबल फील करने में, या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो सीबीटी टेस्ट हो या गोला भरने यानी कि OMR सीट आधारित परीक्षा हो, उन सभी में धैर्यपूर्वक मानवीय त्रुटियों को कम करना, ये सारी चीजें आपको परीक्षा पास करने के नजदीक ले जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको प्रश्नों को बेहतर ढंग से पढ़ना, विकल्पों को हल करना, ये बेहतरीन ढंग से जो है आपको करना है। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें दो चीजें हैं कि पूर्व वर्षों के प्रश्नों को हल करना है, पूर्व वर्ष के प्रश्नों को हल करना है। दूसरा जो है एनसीईआरटी के बुक को भी पढ़ लेना है। जैसे इसमें अगर आप
साइंस के इन्वायरमेंट के किताबों को पढ़ करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 8 से 10 या 15 सवाल तो यहीं से मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बहुत ही बुनियादी जानकारी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आपको देती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपकी उस विषय में अच्छी जानकारी है तो फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बहुत उच्च लेवल की बहुत हाई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं देता, लेकिन उस विषय के बारे में बुनियादी अवधारणात्मक जानकारी देता है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना आवश्यक आपको आपके लिए है। और इसके साथ साथ में जो है पूर्व वर्षों के प्रश्नों को हल करना ये भी आवश्यक है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वर्षों के 2-3 बार के जो परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखा उसमें मैंने ये देखा कि प्रश्नों के रिपीट होने की भी बारंबारता है। मैं केवल 2 वर्षों के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को हल किया और जो चैनल पर पूर्व में जो आप देखेंगे सीटेट के जो प्लेलिस्ट में, तो वहां पे 2 वर्षों के प्रश्न पत्रों को मैंने अवधारणात्मक रूप से हल करके बताया और देखा कि उन 2 वर्षों के प्रश्न पत्रों से ही जो है लगभग 9 सवाल जो है मिलते जुलते 9 सवाल सीधे परीक्षा में पूछे गए। तो इस तरीके से अगर पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं तो उससे न केवल आपके कंटेंट आपके स्टडी मटेरियल की तैयारी होती है बल्कि आपको इससे परीक्षा की समझ भी विकसित होती है, प्रश्नों के गहराई या प्रश्नों के कठिनाई का स्तर भी आपको पता चलता है। तो ये समझना आवश्यक है कि एक तरफ आपका कंटेंट है स्टडी मटेरियल है और दूसरी तरफ पूर्व वर्षों के हल हैं। तो अब जो समय आपके लिए बचा हुआ है इसमें आप जो है बहुत ही तेजी से अपने कंटेंट को दोहराइए और दूसरी साइड में जो है पूर्व वर्षों के प्रश्नों को भी हल कीजिए। कोशिश रहे कि परीक्षा के दौरान आप पूरे जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सावधानी के साथ विकल्पों का चयन करते हुए अच्छे तरीके से आप उत्तर देंगे तो मानवीय त्रुटि को एक तरफ कम करेंगे, दूसरा अपने जो है प्रिपरेशन को थोड़ा सा चमकाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है इसके आधार पर आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी, आपकी दावेदारी अच्छी होगी और आप जो है यहाँ परीक्षा को सफल कर पाएंगे। यह परीक्षा सीटेट की इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि केंद्र की जितनी भी जो है भर्तियां हैं चाहे वो आपके DSSB कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा हो या KBS की परीक्षा हो, जहां पर भी जो है प्राइमरी से संबंधित जो परिभर्तियां हो रही हैं उन सभी जगहों पे सीटेट ही मांगा जा रहा है। स्टेट के जो परीक्षाएं हैं और स्टेट के जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह परीक्षा और वह सर्टिफिकेट वहां पर मान्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जहां पर आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे कई जो वैकेंसी है भी KBS की भर्ती इस वक्त जो है आ गई है और 5 तारीख से उसके लिए आवेदन किए जाएंगे 5 दिसंबर से, तो उसमें भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी दावेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे आप अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पर कल से जो है प्रतिदिन आपको सीटेट की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रतिदिन 8:30 बजे सुबह आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ में कुछ और विशिष्ट प्रकार की जानकारी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन को लेकर के सेकंड मीटिंग में एक और सेशन आपके लिए चलाया जाएगा। यानी कि प्रतिदिन आपको इस चैनल पर स्टडी मटेरियल सीटेट से रिलेटेड जो मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी को आसान किया जाना संभव हो सके। एक टीम की रिसर्च है और कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी और कल से इसमें साइंस के क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड पैटर्न पर आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करके दिया जाएगा जिससे आपकी तैयारी और इस परीक्षा में आपकी दावेदारी मजबूत हो सके। तो कुल मिलाकर के ये कुछ पॉइंट्स से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में जो है आपको दिए गए, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए मजबूती के साथ लगन के साथ जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे होंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो आपसे करना आज से शुरू कर दीजिए और इस आधार पर अपनी दावेदारी को परीक्षा में मजबूत कीजिए। इसको ना केवल क्वालिफाई करिए बल्कि इसके आधार पर होने वाली अनकंपिटेटिव एग्जाम को पास करते हुए जो है आप सफल हो जाइए। तो आज के संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।